इंदौर के भौरकुआ थाना क्षेत्र में ऑटो चालक की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में अखिल भारतीय भलाई महासंघ के लोगों ने मृतक को मुआवजा दिलाने को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया है। दरअसल मंगलवार को ऑटो रिक्शा चालक और एक कार चालक में गाड़ी टकराने की बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी। कार चालक ने ऑटो चालक को रिवाल्वर से गोली मार दी। मामले में ऑटो चालक की मौत हो गई। आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर संबंधित अधिकारी को मुआवजे की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान परमार ने कहा कि क्षेत्र में एक वर्ष से भीतर 5 दलित लोगों की हत्या हो चुकी है। वहीं ऑटो चालक लोकेश की मौत के बाद छोटे छोटे बच्चे और उसका परिवार जो सड़क पर आ गया है। परमार ने तहसीलदार सुदीप मीणा को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि संबल योजना के तहत पीड़ित परिवार को सरकार से 4 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया जाए। वहीं अधिकारी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि उनकी मांग डीएम तक पहुंचा दी जाएगी। इंदौर ब्यूरो राकेश सचर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हेलो भाई साहब, किस तरह ज्ञापन देना है? कल भंवरकुआ थाना क्षेत्र में एक छोटे से विवाद को लेकर रिक्शा चालक के द्वारा कार में जो टक्कर हुई, इस बात को लेकर कार चालक राजेश शुक्ला और उनके पुत्र के द्वारा लोकेश सांवले की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। मात्र छोटे से विवाद को लेकर गोली मार देना कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता को दर्शाता है। और आज उस छोटे से गुस्से के कारण चार बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, पत्नी बेसहारा हो गई, माता पिता भी अधेड़ और उम्र दराज हैं। आज इनके बीच में कमाने वाला वो नहीं रहा। भविष्य में इनकी शिक्षा दीक्षा और जीवन यापन का संकट है। इस हेतु भलाई समाज यहाँ पर एकत्रित होकर माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष याचना लेकर आए थे कि संबल योजना के तहत इस परिवार को जो है मुआवजा राशि 4 लाख रुपये प्रदान की जाए। पूर्व में भी हमारी भलाई समाज के कई लोगों की हत्याएँ और दुर्घटनाएँ हुई। हम जब जब आते हैं हमको केवल आश्वासन दिया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, किंतु जो सरकार की योजना है उनका लाभ नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा महसूस होता है कि शासन प्रशासन भी हमसे भेदभाव करता है, क्योंकि योजनाएं तो नाम से अनुसूचित जाति की है किंतु हमारे को उसका लाभ नहीं मिलता। तो उस बात का भी आक्रोश हमारे साथ में था, हमारी समाज में था। और चूंकि भावना नगर क्षेत्र में यह 5वीं हत्या है, एक वर्ष के भीतर 5 हत्या हुई जिसमें 4 दलितों की हत्या हुई, तो वहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तथा पुलिस का खौफ कायम हो, अपराध कम हो, इसलिए आरोपियों का जुलूस निकले सार्वजनिक रूप से, ऐसी हमारी मांग थी। और इस बात को लेकर हमने माननीय डीएम साहब से मिलने का प्रयास करा, किंतु उनके प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम साहब आए थे। उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया हर बार की तरह कि हमारी सुनवाई करेंगे, बाकी हम हर बार निराश होकर लौटते हैं। और आज अपेक्षा रख रहे हैं कि कभी सफल हो जाए तो ये बच्चों का भविष्य बन जाएगा, क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, ये बेरोजगार रहे तो जीवन में भीख मांगेंगे, अन्यथा अपराध करेंगे और बाद में सरकार हमें दोषी देगी, हमारे समाज को दोषी देगी। तो मेरा आप मीडिया कर्मियों से भी निवेदन है कि हमारी समाज को, पिछड़े वर्ग को न्याय मिले, दलित समाज का शोषण नहीं हो, इनका दोहन नहीं हो, इनको कम से कम शिक्षा दीक्षा जीवन यापन हेतु राशि, मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए, ऐसा आपका भी प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।